दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई खबर आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसको हमें डिविडेंड और रिजल्ट को लेकर अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी की जानकारी के लिए हम यहाँ पे एंजल वन एप्लीकेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पे वॉचलिस्ट पर क्लिक करते हैं। आपको यह स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि इस कंपनी में 26 अप्रैल को डिविडेंड और रिजल्ट पे डिस्कस होने वाला है और अगर इस कंपनी में अच्छा खासा डिविडेंड का अनाउंसमेंट आता है और अच्छे खासे रिजल्ट इस कंपनी में हमें आते हुए नजर आते हैं तो इसमें हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इस कंपनी की अभी कोई रिकॉर्ड डेट और कोई एक्सिट डेट के बारे में डिस्कस नहीं आया है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है या कोई खबर से जुड़ी आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जब तक कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए और सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपनी का कुछ टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें चार्ट किस प्रकार से बन रहा है और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो स्टॉक में यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक में जो है कि एक अपर रेंज से यहाँ पे एक डाउनफॉल आते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ऐसे में अगर स्टॉक में लोअर लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। जैसे कि एमएससीडी में भी हमें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इस कंपनी में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं या डिविडेंड का कुछ अच्छा खासा अनाउंसमेंट आ जाता है तो हमें इस कंपनी में यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल बोले तो पहला रेजिस्टेंस का लेवल इसका बनता है 2622 का और अगला बनता है 6 को लेकर नीचे की ओर स्लिप होता है तो वापस से हमें जो डाउनसाइड के सपोर्ट है ये 600 तक का हम यहां से देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंपनी का मार्केट कैपिटल, कंपनी का सेक्टर पता चल जाता है कि एक डोमेस्टिक अप्लायंस के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। कंपनी 9,327 का मार्केट कैपिटल रखती है। 1 ईयर में 16.5 का निगेटिव रिटर्न दिया है। सेक्टर में 14.07% का निगेटिव रिटर्न दिया है। साथ ही इसका फंडामेंटल रेशियो पे हम नज़र डालते हैं तो पीई रेशियो का 33.80 पे है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.717 पे है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.52% की है और आरओसी 31.34% है। आरओई 13.14% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पे सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। FIIs ने 0.05% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। म्यूचुअल फंड ने 0.38% से अपनी होल्डिंग को घटाया है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और अगर हम देखते हैं अदर DIIs ने 0.01% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने 0.31% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। तो आपने देखा कि कितना ईजी कितना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन में स्टॉक का एनालिसिस करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक के अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा देने नहीं होते हैं, साथ ही आपको 1 ईयर का एमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है। तो देना करें आज अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।